तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मेरे सामने एक मोटर है जो कि प्रेशर नहीं बनाता है, पानी अच्छे से नहीं खींचता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है, इसमें पानी क्यों नहीं खींच रहा है। तो सबसे पहले, अगर मोटर पानी नहीं खींचता है तो सबसे पहले जो आगे का घींचने वाला पाइप रहता है, इसको हम लोग को खोल के चेक करना चाहिए कि इसमें कोई कचड़ा वगैरह तो नहीं ना फंसा है। तो पहले हम लोग ये प्रोसीजर करेंगे, तो इसको खोल के चेक करेंगे, अगर इसमें कचरा रहता है इसकी वजह से भी पानी नहीं घिसता है मोटर। तो चलिए, इसमें दो नट लगा रहता है, इसको हम लोग खोल लेते हैं। तो जिसके लिए मेरे पास एक पाना है, बॉक्स पाना, इसके मदद से हम लोग इसको खोलेंगे। तो चलिए खोल के पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा मोटर का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको पहला एक चेक कर लेना चाहिए, अगर इसमें कचरा घुसा रहता है तो पानी नहीं घिसता है, तो आपको खोल के चेक कर लेना चाहिए। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं। तो ये वाला भी नट हम लोगों ने खोल दिया, और उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो आप सब देख सकते हो इसमें एक प्लास्टिक फंसा है जिसकी वजह से पानी नहीं घिस रहा था। तो दोस्तों, इसका एक कारण है कि पानी नहीं घिंच रहा था, तो इसमें प्लास्टिक यहाँ से जाके फंस चुका था जिसकी वजह से मोटर पानी नहीं घिंच रहा था। तो दोस्तों, अगर आपके मोटर में भी यही प्रॉब्लम है तो आप पहले चेक कर लीजिए, अगर कोई कचरा वगैरह कुछ फंसा रहेगा तो भी एक प्रॉब्लम आता है कि मोटर पानी नहीं घिंचता है। तो आप भी ऐसे खोल के घर पर ही ऐसे आप अपने हाथों से ऐसे आराम से रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए, इसके बाद इसको हम लोग फिटिंग कर देते हैं जैसे था। तो फिर हम यहाँ पे इसको गैस्केट लगाएंगे और इसे प्रॉपर तरीके से इसको लगा के इसको फिटिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने घर पे इसे आसानी तरीके से अपने मोटर को रिपेयर कर सकते हो, जो कि छोटे मोटे प्रॉब्लम है, आप अपने घर पे आराम से कर सकते हो। बस आपको खोलने के लिए पाना चाहिए, जो कि इसमें पाना 10-11 नंबर का लगता है, तो आपको कहीं भी हार्डवेयर पे वगैरह कहीं भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप भी अपने घर पे इसे रिपेयर कर सकते हो। तो हम इसको टाइट कर देते हैं पहले। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इसको अच्छे से एकदम टाइट करना है ताकि ना ढीला ना रहे, नहीं तो लीक करेगा तो फिर भी प्रेशर नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे से टाइट करना है ताकि थोड़ा इधर से थोड़ा बहुत भी लीकेज ना हो। तो यहाँ पे मैं बॉक्स पाने से अच्छे से टाइट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, टाइट हो चुका है, अभी इसको चेक करेंगे चल रहा है कि नहीं मोटर। तो यहाँ से हम लोग वायर को प्लग में लगाएंगे। आप भी फ्रेंड्स ऐसे तरीके से अपने घर पे ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।